ये है हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर हलके की कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल, जो झज्जर की अनाज मंडी में पहुंची हैं। किसानों की बाजरे की फसल के भुगतान को लेकर गीता भुक्कल ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से सवाल पूछा है कि फसलों के 48 घंटे के भीतर ही भुगतान की बात सरकार ने कही थी, लेकिन ये दावे ये वादे झूठे क्यों निकले। अब ये सरकार दावे कर रही थी कि 72 घंटे के अंदर अंदर हम किसान के खाते में पैसा डालने का काम करेंगे। 2350 रुपये खरीद जो है वो बाजरे की बताई गई है, और फिर डिप्टी सीएम की हम स्टेटमेंट सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर अंदर किसानों को, यहाँ पर जितने भी किसान मिले हैं या आड़ती मिले, सबने कहा है जी आज तक भी हमारे पास कटने के बाद और हमारी फसल यहाँ डलने के बाद जो है उसका हमें हमारे खाते में उसका पैसा नहीं आया। दूसरा, झज्जर की अनाज मंडी में हमारे धर्मकांटा नहीं है, इनको बाहर जाना पड़ता है। एक हम उस चीज़ को भी चाहते हैं कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की मंडी है, इसका संज्ञान लें, नया शेड बने, धर्मकांटा बने, पीने के पानी की सुविधा हो और साथ ही साथ में निकासी की सुविधा हो, जिससे कि मंडी में एक अच्छा वातावरण भी बने और किसान भी यहां पर आए और उसके साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय ना हो। तो वहीं गीता भुक्कल ने कहा है कि बेमौसमी बरसात की वजह से पूरे हरियाणा में किसानों की बाजरे और धान की फसल तैयार होने से पहले ही खेतों में बिछ गई। किसानों की समस्याओं पर बोलते हुए गीता भुक्कल ने कहा कि वे विंटर सेशन में काम रोको प्रस्ताव लेकर आएंगे। तो वहीं गीता भुक्कल का कहना है कि उनको उम्मीद तो थी कि सरकार किसानों की बर्बाद फसलों की स्पेशल गिरदावरी कराकर उन्हें उचित मुआवजा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि टिनशेड टपकने और खुले में किसानों की फसल पड़े होने के चलते या फिर फसल पर तिरपाल ढका होने के बावजूद भी नीचे से पानी पहुंच जाने की वजह से या तो फसलों में अंकुर फूट गया है या फिर फसलों में फफूंदी लग गई है। इस बाबत वे सरकार से विंटर सेशन में सारे सवाल पूछेंगी। हरियाणा तक के लिए खबर भेजी है झज्जर से संवाददाता प्रथम शर्मा ने। खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।